नमस्कार और आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती। बस्ती में कोरोना वायरस से मौत के बाद दो नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसकी जानकारी डीएम आशुतोष रंजन ने दी है। यह दोनों कंटेनमेंट जोन रुधौली तहसील क्षेत्र के हैं। अब बस्ती में कुल 3 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, सभी रुधौली क्षेत्र के हैं। रुधौली क्षेत्र के सहुड़ा कला निवासी मुंबई से आए 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई थी। शहर के आवास विकास कॉलोनी में रह रहा था। तबीयत बिगड़ने पर परिजन जिला अस्पताल ले गए थे, जहां पर सैंपल लिया गया और मौत हो गई। बाद में आई रिपोर्ट में पता चला कि वह कोरोना पॉजिटिव था। इसके साथ ही दिल्ली से आए पड़रिया निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग की सर्दी खांसी व जुकाम की शिकायत के चलते जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। बाद में आई रिपोर्ट में पता चला कि बुजुर्ग भी कोरोना पॉजिटिव था। डीएम ने दोनों गांव पड़रिया का पूरा पूर्वा और सेहुड़ा कला को कंटेनमेंट घोषित किया है। सेहुड़ा कला की आबादी करीब 1000 है, जबकि पड़रिया के पूरा पूर्वा में लगभग 200 लोग रहते हैं। इन दोनों गांव में वाहनों का आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। गांव के सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। जरूरी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रशासन के माध्यम से की जाएगी। जिले में रविवार को कोरोना वायरस के 5 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद जिले में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 170 के करीब पहुंच गई है। इसके बाद जिले में कुल एक्टिव केस हैं 123, डिस्चार्ज की संख्या 41 है और मृतकों की संख्या 5 हो गई है। हमें बताया गया है कि ये सारे मामले प्रवासी मामलों से जुड़े हुए हैं। डिप्टी CMO फकीर हुसैन ने जानकारी दी कि यह 5 पॉजिटिव मरीज दिल्ली व मुंबई से आए हैं। इनमें माँ बेटी के अलावा 3 पुरुष हैं, जिन्हें 5 वर्ष ITI बस्ती व OPEC चिकित्सालय में क्वारंटाइन किया गया। वहीं एक फेसबुक पोस्ट में जिलाधिकारी बस्ती ने जानकारी दी कि जिले में 31 मई तक 169 मामले पाए गए, जिसमें से 41 रिकवर हो चुके हैं, 5 की मौत हो गई है और 123 का इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी 542 सैंपल्स की जांच बाकी है। उन्होंने बताया कि नवोदय रुधौली में 60, CHC मुंडरमा में 14 और कैली में 49 मरीज भर्ती हैं। डीएम बस्ती ने जानकारी दी कि हमारी पूरा ध्यान संदिग्ध मामलों का पता लगाना है, संस्थागत क्वारंटाइन करना है। उन्होंने कहा कि जिले में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। जिलाधिकारी बस्ती आशुतोष रंजन ने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इससे पहले कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण के दृष्टिगत तहसील रुधौली के ग्राम कुचरुआ के मजरा उत्तर डी को हॉटस्पॉट कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था। उक्त जानकारी जिला अधिकारी आशुतोष रंजन ने दी थी। उन्होंने बताया था कि इस गांव का संपूर्ण क्षेत्र इस दौरान सील रहेगा। यदि यहां कोई व्यक्ति बाहर निकलता है तो उसके विरुद्ध IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया था कि इस गांव में एक शख्स परिवार सहित 15 मई को मुंबई से आए थे, जिनकी उसी दिन रात में ही मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के दौरान पॉजिटिव पाए गए। इस मजरे में 10 से 12 परिवार निवास करते हैं, जिसकी आबादी 100 है। यह अन्य मजरों से 300 से 400 मीटर दूर है। उप जिलाधिकारी रुधौली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। डीएम ने आदेश दिया है कि उक्त घोषित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में निर्देशों का 100% अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए। संपूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र समस्त विद्यालय कार्यालय बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की सार्वजनिक भीड़ नहीं होगी तथा इस क्षेत्र में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। बस्ती उत्तर प्रदेश की पल पल की खबर के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय बस्ती का यूट्यूब चैनल, और आप ज्यादा जानकारी के लिए bharatibasti.com पर भी जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर करना मत भूलिएगा।